आज के इस पुरफितन दौर में यही वो छतरी है जिसके साए तले हम अपने आप को और अपनी औलादों को और अपने मुस्तकबिल को फितनों से बचा सकते हैं, और कोई जरिया नहीं है। तिर्मिज़ी और दारमी आइमा कराम रहमहुमल्लाह ने इस हदीस मुबारका को रवायत किया है। हज़रत हारस आवर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अनकरीब एक फितना पैदा होगा। यहाँ फितने से मराद ये है कि मुसलमानों के अंदर ऐसी वबाएँ फूटेंगी, ऐसे मसाइल पैदा होंगे, ऐसी आजमाइशें उनके लिए आएंगी कि दीन पर अमल करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फरमाया कि अनकरीब एक फितना बरपा होगा। मैंने अर्ज किया इस फितना से निजात किस तरह मिलेगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्तफ़सार कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन इरशाद फरमाया कि अल्लाह की किताब के ज़रिए से, अल्लाह की किताब के ज़रिए से कुरान मजीद फितनों से निजात का ज़रिया है। इस किताब को जो लोग थामे रखेंगे, इससे जो लोग जुड़े रहेंगे, जो इससे हिदायत और रहनुमाई हासिल करेंगे, वही फितनों से बच सकते हैं। और मैं अर्ज़ करता रहता हूँ कि नाज़रीन मोहतरम सामईन कराम, आज के इस पुरफितन दौर में यही वो छतरी है जिसके साए तले हम अपने आप को और अपनी औलादों को और अपने मुस्तकबिल को फितनों से बचा सकते हैं, और कोई ज़रिया नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की किताब के ज़रिए से इन फितनों से बचा जा सकता है। फिर आपने फरमाया कि जिस मुतकब्बर ने इसको छोड़ा, अल्लाह उसको हलाक कर देगा। आज दुनिया के अंदर मुसलमानों की हलाकत की जो हवाएं चल रही हैं, हमें इस पे गौर करना चाहिए कि क्या उसका सबब ये नहीं है कि हमने कुरान से हिदायत लेना छोड़ दिया है। तो आपने फरमाया कि जिस मुतकब्बर ने इसको छोड़ा, अल्लाह उसको हलाक कर देगा, और जिसने इसके अलावा किसी और चीज़ से हिदायत तलाश की, वो गुमराह हो जाएगा। हिदायत तो कहीं और है ही नहीं। आज मुसलमानों की कितनी बदकिस्मती है कि वह अल्लाह की किताब से रहनमाई लेने के बजाय मशरक़ व मगरब की तरफ देख रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वसीयत में वाज़ेह फरमा दिया कि अगर तुम कुरान के अलावा कहीं और से हिदायत तलाश करोगे तो गुमराह हो जाएगा। और इरशाद फरमाया, ये कुरान अल्लाह की मजबूत रस्सी है और नसीहत और हिकमत है और सीधी राह है। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि ये कुरान वो किताब है जो तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ रहनमाई करने वाली है। ये अल्लाह की रज़ा और उसकी जन्नत का रास्ता तुम्हें दिखाती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे उलमा सैर नहीं होते, और इसको बार बार पढ़ने से इसका मज़ा पराना नहीं होता। अल्लाहु अकबर, ये दुनिया की वाहिद किताब है। जितना आप इस पर गौर व तदब्बर करेंगे, जितना आप इसको पढ़ेंगे, जितना आप इसमें गौर व फिक्र करेंगे, इसी कदर इसकी चाशनी और मोहब्बत के अंदर इजाफा होता जाएगा। इसके अजायब कभी ख़त्म नहीं होते। इस कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो हिकमतें बयान की हैं, जो अहकामात बयान किए हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला ने रहनुमाई इंसानों के लिए दी है, उनका खात्मा कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है। फरमाया, जिन्नात भी इसके सामने न ठहर सके। जब उन्होंने कुरान सुना तो कहा, कालू इन्ना समेना कुरआनन अजबन यहदी इला रुश्द फआमन्ना बिह। वो कहते हैं कि हमने एक अजीबोगरीब कलाम सुना है कुरान की सूरत में। और फिर वो कहते हैं कि वो यहदी इला रुश्द, वो हिदायत की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ, अल्लाह की रज़ा और उसकी जन्नत की तरफ रहनुमाई करने वाला कलाम है। फ़आमन्ना बिही, बस हम उस पर ईमान लिया है। जिसने इस कुरान के मुताबिक अमल किया, वो सवाब पाएगा, इसका अजर पाएगा। दुनिया में उसे सिराते मुस्तकीम की सूरत में वो अजर मिलेगा, और आखिरत में उसे अल्लाह की रज़ा और जन्नत की सूरत में अजर और सवाब मिलेगा। फरमाया, जिसने इसके मुताबिक फ़ैसला किया, उसने इंसाफ किया, और जिसने इसकी तरफ बुलाया, वो हिदायत पा गया। नाज़रीन कराम, सामईन मोहतरम,
یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وصیت فرمائی ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام طبرانی نے اس حدیث کو ہمارے لیے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی چکی گھوم رہی ہے، تو جس طرف قرآن ہو اسی طرف تم بھی رہنا۔ سنو، قرآن اور اقتدار عنقریب الگ الگ ہو جائیں گے، خبردار تم قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا، آئندہ ایسے حکمران ہوں گے جو تمہارے درمیان فیصلے کریں گے، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے، اگر ان کی بات مانو گے تو تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ راوی نے سوال کیا تب ہم کیا کریں، یعنی ایسے حالات ہوں، ایسی مشکلات ہوں کہ حکمرانوں نے قرآن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہو اور ان کے ہاتھ میں ظلم کا کوڑا ہو، اگر ہم ان کی بات مانیں گے تو ہم گمراہ کر دیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو قتل کروا دیں گے۔ تو راوی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی کرو جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھیوں نے کیا تھا، وہ لوگ غاروں سے چیرے گئے اور سوریوں پر لٹکائے گئے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھی رائے نجات جو ہے وہ بتا دی کہ وہ رائے نجات کیا ہے۔ آج دنیا کے اندر ظالم کی حکمرانی ہے، ظلم کی حکمرانی ہے، اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈائے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا پر نظر ڈالیے، دنیا میں آپ کو بے شمار مسلمان ایسے مل جائیں گے جو ظلم اور کفر اور مشرکین اور ان دجالوں کے سامنے جھک نہیں رہے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے قرآن و سنت کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اور اس راستے پر وہ ظالموں کی اطاعت و فرمبرداری کرنے کے بجائے ان کی حکومت بلی کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمبرداری پر قائم رہتے ہوئے اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ یہی حق کی پہچان ہے، یہی حق کی شناخت ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی